पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पर गुंडे हावी थे, इसलिए अखिलेश यादव ने लखनऊ और दिल्ली में दो बार कोशिश की मगर निवेशक नहीं आए। अब माहौल बदला है और उत्तर प्रदेश विकास के पंख लगाकर उड़ रहा है। मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। सर, आज एक बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। जहां कही जा रही थी बात कि जो एक तरीके से विकास को पंख लग गए हैं, आज वहां निवेश का कुंभ लगा हुआ है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी वहां पर। आप क्या मान रहे हैं कि ये जो पहल है सरकार की, इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? देखिए, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी केंद्र में, तब उन्होंने एक प्रकार से बीजारोपण किया विकास के संपूर्ण वृक्ष का, और उसकी आप देखो उसकी प्रगति ये हो रही है। 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो उसको और बढ़ावा मिला। यानी इससे पहले कभी इन्वेस्टर मीट उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। जो अपराधी तत्व थे वो उद्यमों को उद्योग लगाने से पहले ही पहुँच जाते थे। आपको ध्यान होगा, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, अखिलेश जी ने एक इन्वेस्टर मीट करने की कोशिश की थी लखनऊ में, हो ही नहीं पाई। फिर उन्होंने दिल्ली में करने की कोशिश की, वहाँ लोग पहुँचे नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था। तो 2014 में जो दिशा तय की कि भाई उद्यमियों को आसानी हो और उद्यमियों को सुरक्षा भी प्राप्त हो, उसका ठीक प्रकार से जो अनुपालन है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुआ। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, बिजली की सप्लाई दुरुस्त हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, इसका परिणाम यह है कि लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और आज के व्यस्ततम जीवन में